बचा सकते हैं। क्यों नहीं, आखिरकार वो जंगल का एक बहुत बड़ा जानवर था। अगर तुम नहीं जाती तो कोई बात नहीं। मरे हुए जानवर की इज्जत करना सीखो। ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। अब हमें बस ये अच्छी खबर फैलानी है। सही कहा, हम इसे रोने धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शातिर प्लान है। अब कोई भी चौकन्ना नहीं होगा, खास करके वो इंसान का बच्चा जो जंगल में आजाद घूमेगा, सोचते हुए कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे सम्मान में शोक सभा बुलाई गई है। सारे जानवर आ रहे हैं। मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही करीब आ गए मालिक? मैं ये सुनने के लिए बेकरार हूँ कि वो मेरी तारीफ में क्या कहेंगे। क्या हुआ, मरने वाले की तारीफ होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं जाकर सभा शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी हमारे दोस्त और मालिक शेर खान को बहुत पसंद करते थे, और इसलिए आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं अपना आखिरी प्रणाम देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहना चाहूंगी कि शेर खान बहुत ही निर्दयी था। और उसकी आंखें सुअर जैसी थी। हम वो कैसे दिखते थे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बस हमारी मालिक की अच्छी बातों के बारे में बोलना है। उसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करना अच्छा लगता था। उसकी कभी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि शेर खान जैसा ताकतवर जानवर इतना स्वार्थी था।